आज हम बनाएंगे उड़ीसा का मोस्ट फेमस पोड़ा पिठा। उड़ीसा का फेस्टिवल रज और वो त्योहार पोड़ा पिठा के बिना तो बिल्कुल ही अधूरा है। तो आज हम छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे चावल से बना हुआ पोड़ा का पिठा। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छे से पोड़ा पिठा बना है, कितना स्पॉन्जी है, सॉफ्ट है। आप लोग देख पा रहे होंगे उसका कलर और टेक्सचर परफेक्ट है। अगर आप पहले कभी नहीं बनाए हैं पोड़ा पिठा तो मेरे तरीके से बनाइए, आपका जरूर एक ही बार में परफेक्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी और आप सभी को तनवीस किचन मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम अरवा चावल को करीब 5 से 6 घंटे भिगो के रख लेंगे। अब अरवा चावल या सोनम मसूरी गोविंद भोग कोई सा भी चावल यहाँ पे ले सकते हैं और इसको सही मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। आप कोई सा भी मेजरिंग कप या ग्लास लीजिए और उसी से ही चावल और पानी का मेजरमेंट करके डालेंगे तो हमारा पीठा बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा कप लिया है, इसमें मैंने 1 कप चावल लूंगी मेजर करके। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा करके चावल की क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। चावल को अच्छे से भिगोना जरूरी है और यहाँ 5 से 6 घंटा हो चुका है चावल को भिगोए हुए। चावल यहाँ पानी सोख करके फूल गया है, देखिए। तो हम चावल को अच्छे से धो लेंगे यहाँ पे और एक्सेस पानी को फेंक देंगे और हम अब चावल को ग्राइंड करेंगे। तो उसके लिए हम ग्राइंडिंग जार में चावल को ले लेंगे और यहाँ पे हम जो कप में चावल को नाप के लिए थे उसी सेम कप में ही 1/2 कप पानी लेंगे और चावल में डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। इसको थोड़ा दरदरा टेक्सचर में रखने के लिए सब बोलते हैं, पर आप चावल को कितना भी ग्राइंड कर लीजिए वो थोड़ा थोड़ा दानेदार फॉर्म में रहता ही है। और चावल का कंसिस्टेंसी देख लीजिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ही है, ना ज्यादा मोटा है और ना ज्यादा पतला है। 1/2 कप पानी से परफेक्ट कंसिस्टेंसी हुआ है। तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट हम पिठा के बैटर का प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का नारियल लिया है और उसको 1/2 मैंने ग्राइंड कर लिया है और 1/2 को ऐसे पीस पीस करके काट लिया है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया है, आप अपने हिसाब से कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 5 से 6 इलायची का टुकड़ा लिया है, उसको मैंने ऐसे क्रश कर लिया है और तेज पत्ता लिया है। अब हम एक मोटा पैन वाला कढ़ाई लेंगे ताकि ये चिपके नहीं नीचे। और सबसे पहले हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखा था उसको यहाँ पे घी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फिर हम उसी पैन में 2 कप पानी लेंगे, मैंने वही मेजरिंग कप से ही लिया है। हमने जितना चावल लिया था उसका दुगना यहाँ पे पानी लेंगे और पानी का मेजरमेंट हमेशा याद रखेंगे। फिर मैं उसमें डालूंगी गुड़, आप इसको चीनी में भी बना सकते हैं पर जो हमारा ऑथेंटिक पीठा का रेसिपी है वो गुड़ में ही अच्छा लगता है। अब यहाँ मैंने गुड़ को मेल्ट कर लिया है। मैंने गुड़ भी करीब 1 कप के अराउंड लिया है, यानी 300 ग्राम का। जितने का चावल होगा उतने का गुड़ भी लेंगे हम। अभी यहाँ पे हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। देखिए ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने जितने भी थे खड़े मसाले उसको डाल दिया है, इलायची, तेज पत्ता और जो नारियल हमने ग्राइंड करके रखा था उसको भी डाल देंगे और 1 चम्मच नमक भी यहाँ पे डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ये सब बैटर को मिलाएंगे और जब गर्म हो जाएगा हम धीरे धीरे जो हमारा चावल का बैटर था उसको डालते जाएंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, नहीं तो जो बैटर है वो नीचे चिपक जाएगा। और इसको धीरे 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 ऐसे चलाते जाएंगे और हमारा जो चावल का बैटर है उसको डालते जाएंगे, कंस्टेंटली इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। देखिए ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है बैटर, इसी तरह से हम इसको डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा था उसको डाल रही हूँ और इसी तरह से हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे और फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो बैटर है वो हो चुका है। अब हम और एक मोटा कढ़ाई लेंगे और उसमें मैं यहाँ पे चारों तरफ घी को चारों तरफ मैं ऐसे ब्रश से लगा लूँगी अच्छे से कढ़ाई में
और फिर मैं यहाँ पे जो हमारा पत्ते की खली भोजी में लेते हैं, ओडिया में इसको खली बोलते हैं, तो खली जो पत्ते में बनता है साल का पत्ता, तो ओडिया में साड़ा पत्र बोलते हैं, उसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आप केले का पत्ते का भी यूज कर सकते हैं, इसका नाम ही पोड़ा पीठा। पोड़ा मतलब जला के, तो जो बैटर है उसको पत्ते के साथ जला के ये पीठा बनता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अरे जलने के बाद बैटर इसके साथ जो एक पीठा बनता है, वो जो इसका टेक्सचर बनता है, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और फिर हमने जो बैटर रखा था उसको यहाँ पे गरम में ही डालना है, ठंडा नहीं करना है। और सारे बैटर को मैं यहाँ पे अभी डाल दूंगी, और ये प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी भी करना है। पत्ते के ऊपर देके अच्छे से घी का लेप देके प्रेस कर लेना है। मैं यहाँ पे थोड़ा घी लेके हाथ से इसको ऐसे प्रेस कर रही हूँ, और ये सब प्रोसेस आपको गर्म में ही करना है, बैटर को ठंडा नहीं करना है। गर्म में करने से क्या है, जो हमारा बैटर है अच्छे से सेट हो जाता है और पीठा भी हमारा सॉफ्ट बनता है। इसको ऐसे टैप टैप करके अच्छे से इसको ऐसे कर लेना है। फिर मैंने यहाँ पे जो नारियल कट करके रखा था उसको यहाँ के ऊपर गार्निश कर लूँगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा पीठा गार्निश करने के बाद। और वैसे ऊपर से भी मैं ऐसे पत्ता दे दूँगी, उससे क्या है ऊपर से भी ये, ऊपर से पत्ता देने से एक्चुअली क्या होता है, जो ऊपर का बैटर है वो भी जल जाता है, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी सोख कर लेता है पत्ता। अभी करीब 30 से 40 मिनट हो चुका है। देखिए मैं ऊपर से दिखा रही हूँ आपको कितना अच्छे से हमारा पोड़ा पीठा बन चुका है। 40 मिनट में नहीं हुआ था तो मैंने फिर 10 मिनट के लिए इसको कर लिया, और फिर हम इसको चेक करेंगे। और आप जब देखेंगे कि ऊपर से हाथ में नहीं चिपक रहा है तो आपका पीठा यहाँ पे बन चुका है। और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, कोई सा भी टूथपिक या नाइफ लेके देखिए, देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, और जो थोड़ा थोड़ा भी है वो गर्म है इसलिए हो रहा है। और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, बिल्कुल अच्छे से ये ठंडा हो जाता है करीब 4 से 5 घंटे के बाद। और इसको ठंडा करके खाने में ही पीठा ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, 2 घंटा हो चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जितने भी पत्ते हैं उसको हटा रही हूँ, देखिए कितना अच्छे से भी खुल रहा है और कितना अच्छे से ये जल चुका है। देखिए हमारा पोड़ा पीठा यहाँ पे बन चुका है, हमारा पोड़ा पीठा बिल्कुल अच्छे से देखिए यहाँ पे बन चुका है। इसको मैं पलट के भी दिखा रही हूँ आगे से, देखिए कितना सुंदर इसका टेक्सचर हुआ है, कितना परफेक्ट बना है हमारा पोड़ा पीठा। आप भी जरूर एक बार घर में ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और ये तो उड़ीसा में बनता ही है, उड़ीसा में तो रजा पर्व के टाइम ये बनता ही है। पोड़ा पीठा ऑथेंटिक रेसिपी है उड़ीसा का। मैं पीठा को दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे चारों तरफ से कितना अच्छा ये जल चुका है आगे से और पीछे से, कितना अच्छा। मुझे ही इसको कट करने का मन ही नहीं कर रहा है, पर मुझे तो आप लोग को दिखाना है इसको कट करके, और ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब होने वाला है। मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ, देखिए कितना स्मूथ बना है, ऐसा नहीं है कि चावल से बना है ऐसे टाइट हो गया है। देखिए पास से दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट बना है, और मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है इसका, कितना अच्छा बना है पोड़ा पीठा हमारा। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिए, मुझे यकीन है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का रेसिपी, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और आपका रिव्यू देने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।